आज ही डाउट नेट ऐप डाउनलोड करें डाउट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवेन है When a current carrying coil is suspended in uniform magnetic induction B, the magnitude of torque acting on it is an area vector given A, current given A I, or number of turns N given है ठीक है तो अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉयल कोई भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ठीक है मैग्नेटिक इंडक्शन उसका बी है और इसका एरिया ए है मान लीजिए ठीक है तो टॉर्क एक्टिंग कोई भी करंट कैरिंग कॉयल में अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी में रखा हुआ है तो उसका टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है न्यू क्रॉस बी ठीक है वन न्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंट और बी क्या होता है बी मैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है स्ट्रेंथ होता है फील्ड का तो यहां से हमें न्यू क्रॉस भी अगर हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू क्रॉस भी निकालना पड़ेगा ठीक है और हम जानते हैं कोई भी वेक्टर ए क्रॉस बी है जैसे उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं ए बी साइन थीटा ठीक है A, B, theta, तो ये कैसे लिखेंगे न्यू बी साइन थीटा और थीटा इज द एंगल बिटवीन न्यू एन ए या न्यू एंड बी ठीक है और न्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे लिखते हैं एन आई ए ठीक है NIA, तो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू क्या लिख देंगे एन आई मैग्नीट्यूड ऑफ ए ठीक है तो ये कैसे लिखेंगे एन आई ए इंटू बी और ये साइन थीटा हो गया तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आ गया बी आई एन बी आई ए साइन थीटा ठीक है तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ये होगा तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या है एन आई ए बी साइन थीटा ठीक है तो बी इज द करेक्ट आंसर थैंक यू क्लास सिक्स 12 से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर